ये है यूक्रेन, महीना है दिसंबर, लास्ट 30 दिसंबर, और ठंड बहुत है, बर्फ़ पड़ी हुई है देख सकते हो। और हम जा रहे हैं पानी लेने, बर्फ़ इतनी जम गई है टेम्परेचर से, यहाँ सब धीरे धीरे पत्थर बन जाएंगे। और इस कंट्री की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे साफ़ सफाई बहुत रहती है, देखो कितनी साफ़ सफाई है। सो यहाँ पर कुत्ते बहुत कम दिखेंगे इंडिया की तरह, लेकिन यहाँ बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बिल्लियाँ ही बिल्लियाँ। अभी तो ठंड में घुसी हुई हैं, और अभी दिखाते हैं आपको, अभी मैं गिर जाता है क्योंकि यहाँ पे सब फिसलन हो गया ना। तो यहाँ से हम लेंगे पानी, पानी भी पैसों से खरीद कर लेना पड़ता है, ये पानी लेना पड़ेगा यहाँ से, इसमें डाल दिया कॉइन और यहाँ से आएगा पानी, ठीक है। सो अभी आपको दिखाता हूँ, अब इसमें मैंने सिक्के डाल दिए हैं, 6 रुपये हो गए, देखो 6 यहाँ के 6 रुपये, और 6 रुपये में मिलेगा मुझे 6 लीटर पानी। और यहाँ से हमने कर दिया शुरू, पानी चल पड़ा देखो, तो 6 रुपये में यहाँ पे 6 लीटर पानी मिलता है देखो, क्योंकि यहाँ का पानी ख़रीदना पड़ता है वो अच्छा होता है, क्योंकि जो खुद यहाँ का पानी है वो अच्छा नहीं, पीने लायक नहीं है। सो देख सकते हो आप। सो सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे अगर किसी ने काम करना है तो टैक्सी में अच्छा पैसा बन जाता है, टैक्सी चलाओ यहाँ पर आके, टैक्सी में अच्छा इनकम है, मतलब कि 50,000 रुपये बंदा बचा लेता है। बोल्ट है यहाँ पर, बोल्ट के साथ उबर भी है, और यूकलॉन, और भी कई तरह कंपनियों की टैक्सी हैं यहाँ पे। सो अच्छी है कंट्री, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए। अगर काम करना है तो टैक्सी चला सकते हो, और बाकी लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है मेन, इंग्लिश नहीं चलती यहाँ पे, क्योंकि इंग्लिश बिल्कुल बहुत कम लोग बोलते हैं। सो यहाँ पर रशियन बोली जाती है, यूक्रेन बोली जाती है सबसे ज़्यादा। सो मैं था तुम्हारे साथ जोंटी विर्क, सो अगली वीडियो में मिलते हैं आपको, अभी मैं पानी लेकर जा रहा हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तो फिर आपको बताऊँगा न्यू इन्फॉर्मेशन। सो ओके बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हमारा पानी बढ़ गया है तो हम घर जाते हैं, चाय बनाते हैं गरम गरम, सो पीते हैं। ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं फिर हैं।